हेलो फ्रेंड्स, मैं ही अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी चटपटा आवकाया पुलिहोरा, मीन्स अचार पुलिहोरा। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। अगर आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो ऐसे यम्मी टेस्टी पुलिहोरा के लिए मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें डाला है काजू। काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं जस्ट गार्निशिंग के लिए इसे यूज़ करूँगी। काजू को मैंने फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर अब सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून मूँगफली। मूँगफली डालकर मैं इसे हल्का भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने के बाद उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून सरसों और 1/2 टीस्पून जीरा। ये एक क्विक रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। भुनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ करिया पत्ती और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हम लोग जैसे टैमरिन पुलिहोरा या लेमन पुलिहोरा बनाते हैं, सेम वैसे इसको भी बनाएंगे। अभी मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने सिर्फ एक ही डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर। टमाटर को मैंने काट लिया है, डालकर अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा मिक्स करके इसे हम लोग 1 मिनट के लिए या 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दे रही हूँ। अब 2 मिनट बाद मैंने ढककर निकाला है। टमाटर थोड़ा सा पक गया है, मीन्स ऑलमोस्ट ये गल गया है पर पूरी तरह से नहीं पका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने अराउंड 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है। हल्दी डालकर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है और हरी मिर्च भी मैंने एक ही डाला है क्योंकि हम लोग अचार पिकल का यूज़ कर रहे हैं। पिकल में भी थोड़ा सा तीखा रहता है। और नमक भी आप बाद में डालना और टेस्ट करके डालना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अचार। अचार की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अराउंड 1 छोटी कटोरी अचार डाला है। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपके पास जैसे पुराना अचार है जिसको नहीं खा रहे उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इनको एकदम अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर अचार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पका हुआ चावल। चावल को मैंने पका के ठंडा कर लिया है। आप चाहो तो लेफ्ट ओवर राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके घर में सब्जी नहीं है, चावल बच गया है और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप एक बार चेक करके फिर नमक डालना क्योंकि अचार में भी नमक होता है। अब मैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी बारीक कटा हरा धनिया और फ्राई किए हुए काजू। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी पुलिहोरा बनके रेडी है, अचार पुलिहोरा। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी आवकाय पुलिहोरा बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।